अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व द फॉलोइंग। और हमने डेसिमल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन वी विल डू द वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो कॉपी पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग में 302.48 माइनस 208.24। जब हमने इनको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, सबसे पहले इनको वर्टिकली लिखना है और इस तरह हमने लिखना होता है कि हमारा पॉइंट कंसाइड करे सेकंड नंबर के पॉइंट के साथ। यानी कंसाइड करने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है और सेकंड नंबर का पॉइंट, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे बिल्कुल एक ही पैटर्न में है, एक ही कॉलम में है। ठीक है, सो जब मैंने पहला नंबर लिखा 302.48 और दूसरा नंबर लिखा 208.24, तो ये परफेक्टली हमारे कंसाइड करेंगे ये पॉइंट। सो अब इनको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। 8 माइनस 4 क्या 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 किया 2, अब पॉइंट आ गया, पॉइंट एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब 2 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, सो इस 3 को कट करके 2 बनाया, यहाँ पे 10 बना के इसको कट करके 9 बना दिया, यहाँ पे 12 बना दिया। 12 माइनस 8 किया 4 आ गया, 9 माइनस 0 9 और 2 माइनस 2 0 होता है, सो ये हमारा आंसर आ गया 94.24 इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट जो बी क्वेश्चन है 619.052 प्लस 341.006। अब देखिए मैं इनको रीड आउट भी ऐसे ही कर रही हूँ कि पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में करके कर रही हूँ। 619 जैसे यहाँ पे 94 था, 341, और पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को मैं अलग अलग करके रीड आउट कर रही हूँ 052006। जब इस नंबर को लिखा 619.052, इसके बाद ऐड के साइन के साथ जब नेक्स्ट नंबर लिखा 341.006, तो इसका पॉइंट कंसाइड कर गया। बिल्कुल सिंपल, एक ही कॉलम में दोनों के पॉइंट आ गए, इट मींस ये अब अरेंज्ड है, ये वर्टिकली ठीक तरह से मैंने लिख दिया। अब इनको ऐड करना है, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 0 5 होता है, 0 प्लस 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 9 प्लस 1 10, 10 के लगा 0 और 1 आ गया कैरी, 4 5 6 और 6 प्लस 3 9, तो 960.058 इज़ द फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट हमारा नंबर है 116.35 माइनस 89.74। जब मैंने 116.35 लिखा और 89.74 नेक्स्ट नंबर लिखा, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट कंसाइड करने के लिए इसके जस्ट पॉइंट से पहले टू डिजिट्स थे, तो उसको 16 के नीचे लिखा, 889 को 16 के नीचे लिखा इस तरह कि पॉइंट के नीचे पॉइंट कंसाइड कर रहा है और पॉइंट के बाद 74 इसका लिख दिया। अब ये मेरा नंबर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लेस हमारी खाली पड़ गई है, ये वाला बॉक्स हमारा खाली है, तो नो इशू विद दैट। ठीक है, और सो ये वाली प्लेस हमारी फ्री थी। अगर हम इसका डिजिट्स कंप्लीट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो लगा दें, नो इशू विद दैट, हमने ज़ीरो लगा दिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। 5 माइनस 4 किया 1, 3 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, इस 6 को 5 बनाया कट करके, यहाँ पे 13 बना दिया, 13 माइनस 7 किया 6 रह गया पॉइंट, 5 माइनस 9 अगेन नॉट पॉसिबल, इसको बनाया 0 और कैरी इधर 15 बना दिया, 15 में से 9 निकाले हमने तो हमारे पास अगेन 6 रह गए। ठीक है, और 0 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, इसको बनाया हमने 0 और यहाँ पे 10 बना दिया, 10 माइनस 8 किया 2 आ गया। सो नेक्स्ट ई पार्ट है 482.11 प्लस 653.938। पहले जब मैंने 482.11 को लिखा और नेक्स्ट 653 पॉइंट पॉइंट के नीचे पॉइंट कंसाइड कर गया, इट मींस हम सही तरह से इसको लिख रहे हैं 938, तो इनको ऐड करना था। अब यहाँ पे भी यहाँ देखें 8 के ऊपर कोई नंबर नहीं था, यहाँ पे एक प्लेस हमारी फ्री आ गई है, उसमें कोई नंबर नहीं है, तो हम इसके अंदर क्या लिख देंगे, ज़ीरो लिख देंगे, हमने ज़ीरो लिख दिया इधर। अब यहाँ पे इनको ऐड करना है, 0 प्लस 8 8, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 9 10, 10 लगा 0, पॉइंट यहाँ पे इधर आ गया और कैरी यहाँ पे अब आएगा। ठीक है, अब ये 10 लिख दिया हमने, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 5 13, 3 लगा और 1 आ गया कैरी, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, 11 यहाँ पे इस तरह लिख देंगे। ठीक है, सो 1136.048 इज़ दी फाइनल आंसर। एफ क्वेश्चन में आ गया, आ जाते हैं अब 3.19 प्लस 27.974 प्लस 8.8। अब यहाँ पे तीन नंबर्स हमें गिवन है, ठीक है, ये वाला पहला नंबर है, ये सेकंड नंबर है और लास्ट पे थर्ड नंबर है।
ठीक है। सो सबसे पहले मैंने 3.19 को लिखा, उसके नीचे 27.974, 27.974 और 8.8, इस तरह तीनों को लिखा कि सबका पॉइंट एक ही कॉलम में आ रहा है, कंसाइड कर गया कॉलम पॉइंट वाला। सो यहाँ पे अब जो फ्री स्पेसेस आ गई हैं वो यहाँ पे है यहाँ भी है और यहाँ भी है। सो इन सारी जगहों पे हम क्या प्लेस कर देंगे, ज़ीरो, ताकि हमारे डेसिमल पॉइंट या सारे हमारे डिजिट्स हैं उनकी जो है कंप्लीट हो जाएं, डिजिट्स कंप्लीट हो जाएं। अब इनको ऐड करना है। अब 400 ऐड किया तब भी क्या आया 4, 9+7 किया हमारे पास आ गया 16, 1 आ गया हमारे पास कैरी। अब 9+1 10, 11, 11+8 19 का लगा 9, पॉइंट इधर नीचे दे दिया और 1 आ गया कैरी। 3, 7, 10, 18 और अगेन 19, 1 आ गया कैरी। 1+0 1+2 1+2 आ गया 3, तो 39.964 इज़ द फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट हमारा जो एज क्वेश्चन है 732.11 -28.932, जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ भी, अब जब दोनों नंबर्स को लिखा वर्टिकली तो ये वाली एक स्पेस फ्री आ गई और एक यहाँ पे स्पेस फ्री आ गई, जब पॉइंट को कंसाइड करने की कोशिश की। सो दोनों जगह पे हमने ज़ीरो प्लेस कर दिया, ठीक है, हमारे डिजिट्स कंप्लीट हो गए। अब माइनस करना है, 0-2 नॉट पॉसिबल, इसको बनाया 0, यहाँ पे कैरी भेज दिया 10 बना दिया, 10-2 किया 8। अब 0-3 नहीं हो सकता, ये वाला 0 और -3 नहीं हो सकता, तो इसको बनाया अगेन 0 और यहाँ 10 बना दिया, 10-3 किया 7। अब 0-9 नहीं हो सकता, इसको बनाया 1 और यहाँ 10 बना दिया, 10-9 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। अब 1-8 नॉट पॉसिबल, इसको बनाया 2 और यहाँ पे 11 बना दिया, 11-8 किया 3, 2-2 किया 0 और 7-0 7 होता है, तो 703.178 इज़ द फाइनल आंसर। सो डी और जी पार्ट आपके होमवर्क में, आपने सेम इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है, आज़म हैज़ रुपीज़ 1,401.65 एंड रिसीव्ड रुपीज़ 2,314.10 मोर फ्रॉम हिज फादर, हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ। सबसे पहले आज़म के पास मनी जो थी वो 1,401.65 रुपीज़ थी और मोर मनी रिसीव्ड फ्रॉम फादर, उसके फादर ने उसको और मनी कितनी दी थी, रुपीज़ 2,314.10। टोटल मनी हमने जब लेनी है कि अब उसके पास कितनी मनी है, हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ, अब उसके पास मिला के कितनी मनी आ गई है उसके पास, उसके लिए हमने रफ में इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए इन दोनों नंबर्स को वर्टिकली इस तरह रखा कि पॉइंट कंसाइड कर रहा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है। सो 5+0 5, 6+1 7, 4+1 5, 0+1 1, 4+3 7, 1+2 3 और पॉइंट के नीचे पॉइंट कंसाइड करके ये रुपीज़ में हमें मिल गया आंसर। तो अंडरलाइन ब्लैक से करके रुपीज़ टोटल मनी के आगे लिख दिया, रुपीज़ 3,715.75। नेक्स्ट हमारे पास है नैना, ट्रैवल 142.613 किलोमीटर बाय बस एंड 225.15 किलोमीटर बाय ट्रेन, हमारे डिस्टेंस दिस शी ट्रैवल ऑल टुगेदर। सबसे पहले नैना ने क्या किया, नैना ने जो ट्रैवल किया बाय बस है वो 142.613 किलोमीटर था, ट्रैवल्ड बाय बस 142.613 किलोमीटर एंड बाय ट्रेन कितना आया 25.15, तो ट्रैवल बाय ट्रेन 25.15 किलोमीटर। सो हाउ मच डिस्टेंस डिड शी ट्रैवल ऑल टुगेदर, तो मिला के उसने दोनों बस और ट्रेन से मिला के कितना ट्रैवल कर लिया। सो हमने बस का और ट्रेन का ऐड करना है हमने। सो जब पॉइंट कंसाइड किया तो यहाँ पे ये वाली स्पेस हमारी फ्री आ गई इसी तरह, और यहाँ से ये वाली स्पेस फ्री आ गई। सो हमने यहाँ भी ज़ीरो प्लेस कर दिया, यहाँ भी ज़ीरो प्लेस कर दिया। अब 3+0 3, 1+5 6, 6+1 7 पॉइंट हमने नीचे लिख लिया, 2+5 7, 4+2 6, 1+0 1, सो 167.763 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कंप्लीट ट्रैवल कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मॉम मेड 4.5 लीटर्स ऑफ लेमनेड टू सर्व इन द पार्टी, इन द एंड शी विल लेफ्ट विद 0.821 लीटर ऑफ लेमनेड, हाउ मच लेमनेड वाज यूटिलाइज्ड इन द पार्टी। सबसे पहले टोटल लेमनेड या जो स्कंजबीन जो बनाएगी वो टोटल थी 4.5 लीटर, सो टोटल लेमनेड मेड 4.5 लीटर। सो आफ्टर द एंड ऑफ द पार्टी जो लेफ्ट था लेमनेड इन द जग या कुछ किसी भी
कंटेनर के अंदर जो लेमनेट बच गया था, सिकंदी बीन बच गई थी, वो 0.821 लीटर थी. तो लेमनेट लेफ्ट था 0.821. सो वी हैव टू फाइंड दी हाउ मच लेमनेट वॉज यूटिलाइज, कितना यूज़ हो गया था. यूटिलाइज का मतलब कितना यूज़ हुआ था लेमनेट यूटिलाइज. तो इसके लिए हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, 4.5 में से 0.821 जो बच गया था टोटल में से उसको लेफ्ट करेंगे तो जितना यूज़ होया हुआ था लेमनेट वो हमें मिल जाएगा. सो 4.5 और माइनस के 0.821. तो मसला यहाँ पे आ गया कि ये वाले दो प्लेसेस फ्री आ गई थी और यहाँ पे हमने कलर करके यहाँ पे ज़ीरो प्लेस कर दिए. अब 0-1 नॉट पॉसिबल, सो पीछे भी ज़ीरो था तो इस 5 को कट करके 4 बनाया, यहाँ पे 10 बना के इसको कट करके 9 बनाया, यहाँ पे 10 बना दिया, 10-1 क्या 9 आ गया, 9-7 क्या 2 आ गया, और 4 में से 8 नहीं पॉसिबल था तो इस 4 को कट करके 3 बनाया, यहाँ 14 बना दिया, 14-8 क्या 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, और 3-0 3 आ गया. तो 3.679 लीटर वाज यूटिलाइज, लेमनेट यूटिलाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अली बॉट अ बास्केटबॉल फॉर रुपीज़ 132.50, अहद बॉट अ बैट फॉर 715.75, एंड बिलाल बॉट अ फुटबॉल फॉर 829.62 रुपीज़. हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑल टुगेदर. सबसे पहले हमें अली का पता चला कि उसने बास्केटबॉल खरीदी है 132.50, और अहद ने 715.75 का बैट लिया, और बिलाल ने 829.62 का फुटबॉल लिया. सो हमने अलग अलग इनका लिख लिया. अली बॉट बास्केटबॉल फॉर रुपीज़ 132.50, अहद बॉट बैट फॉर रुपीज़ 715.75, एंड बिलाल बट अ बास्केटबॉल 829.62. सो दे स्पेंड ऑल टुगेदर में हमने सबसे पहले अली का लिखा, देन अहद का, एंड लास्ट में बिलाल का, और इन सबको क्या किया, ऐड कर दिया 132.50 और 715.75, 829.62, और सबके पॉइंट कंसाइड कर गए. सो एक्स्ट्रा ज़ीरो में लगाने की हमें ज़रूरत नहीं थी. सो 5 + 2 = 7, 5 + 7 = 12, प्लस 6 18, 8 और 1 कैरी आ गया, पॉइंट हमने नीचे ले लिया. 2 + 1 = 3, 8, 3 + 5 = 8 हो गया, और 8 + 9 = 17 का लगा 7 और 1 कैरी, 3 + 1 = 4, 5, 6, 7 पूरा आ गया, और 8 + 8 = 16, सो 16 पूरा यहाँ पे लिख दिया. तो 100, तो ऑल टुगेदर दे स्पेंड ऑल टुगेदर में रुपीज़ 1677.87 फाइनल आंसर आ जाएगा. सो जो होमवर्क के क्वेश्चन भी गिवन है और ये वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से इनको समझें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछते हैं आपने.